हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरी आवाज तो सही लग रही है ना आप लोग को? कई लोगों को मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती। खैर कोई बात नहीं, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी आवाज जैसी है भैया वैसी है। जिसको बुरी लगती हो तो वो स्टॉप कर दे, ना देखे, है ना? ठीक है। तो दूसरी बात ये है दोस्तों कि आज बहुत अच्छा लगा। अभी जस्ट सपना का वीडियो देखा, मैं क्लास ले रही थी, बीच में उसका नोटिफिकेशन आया था, तब देखा तो बहुत दिल को राहत मिली कि ये जो बदनामी करते ना ऐसे लोग, इनका तो अच्छा ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। और बहुत सही डिसीजन लिया। मैं अप्रिशिएट करूंगी तुम्हारे परिवार वालों को, तुमको, कि तुम गई थाने और ये किया। हमारे साथ तो ये हुआ कि नहीं तो हम भी थाने जाते। हमारे मदर फादर ने हमें मना कर दिया था, वरना हम भी इस औरत को नहीं छोड़ते, है ना? लेकिन हमारे साथ चलिए, भगवान ने बहुत हेल्प करी कि हमारे इन-लॉज ही आके खड़े हो गए, तो सारा कुछ मैटर सॉर्ट आउट हो गया। और इसी कारण मेरे फादर ने मुझसे मना भी कर दिया था कि अब कोई जरूरत नहीं, वरना मैं इसकी FIR जरूर करने वाली थी। पर तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, सही डिसीजन लिया। क्योंकि ये जो लोग अपन लोगों को मानसिक टॉर्चर किया है ना इन लोगों ने, ये बहुत हद तक किया। और तुमने तो कब से सह रही हो बेटा, तुम बहुत टाइम से सह रही थी। हम लोग सारे वीडियोस देख रहे थे और हम ये सोचते भी थे कि यार ये सपना एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मैंने अपने ही कितने जो मेरी फ्रेंड सर्कल रहा, इतने यूट्यूबर्स मेरे फ्रेंड है, उन्होंने भी ये बार बार ये बोला। तो मैं कई बार ये सोच में पड़ गई कि यार कहीं से मुझे सपना का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए, मैं सपना से बात कर पाऊँ कि सपना तुम एक्शन लो, तुम्हारे साथ तो ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना? लेकिन एट लास्ट भगवान ने सुनी और तुम एक्शन ले रही हो। बहुत गुड डिसीजन लिया है, तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ हैं, बहुत गुड डिसीजन लिया। और आज देखो उसके फादर ने बोल ही दिया ना कि हमारा बेटा गया है ना, तो हमें मालूम है कि हमने क्या खोया है, तो हम करेंगे ना, हमें जो करना होगा वो करेंगे हम। लेकिन तुम लोग कौन होते हो बीच बीच में आके बक बक करने वाले? और मैं अंकल जी आपको सच में अप्रिशिएट करूंगी कि आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, बिल्कुल सही। सपना आपने भी, आपके फादर ने, आपके परिवार वालों ने, इन लोगों का तो सच में, इनको तो जब तक ये लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगी ना, जब तक ये किसी का पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि इस औरत की आदत ही है, किसी को पकड़ पाई ना तो ये बुरी तरीके से पकड़ती है और उसका इतना बुरी तरीके से हनन करती है यार, मानसिक रूप से हर तरीके से, कि उसको इतना बेइज्जत करेगी सबके सामने कि बता नहीं सकते। और बाद में होता धरता क्या है? कुछ नहीं, सब शून्य। असलियत जब सामने आती है तो मुंह छुपाती फिरती है। फिर ये, फिर इनको बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है ना? जैसे मेरे मैटर में, उसके बाद ये औरत ऐसी भागी है कि इसके बाद उसने एक बार भी बड़ी कह रही थी लाइव में आके कि अरे मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं बच्चों के लिए करूंगी, मेरे से बोला तो मैं ग्राउंड लेवल तक जाऊंगी। मुंह मटका के बात करना तो बहुत आता है ना, लेकिन असलियत तक बिल्कुल जाना नहीं है, लोगों की इज्जत के परखच्चे उड़ाना है, बस यही इन्हीं महिलाओं ने सीखा हुआ है। और कुछ नहीं आता इन महिलाओं को बस। और इनका पूरा टीम, ये जो इनका पूरा जो चमचिया है ना, ये सब एक ही, सब थैली की चट्टी बट्टी है। भों 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 करना शुरू हो जाएंगी, असलियत नहीं जानेंगी। यार कितनी बार तब मैंने भी तब कहा था यार, कम से कम असलियत तो पहले आओ, देखो सारी चीजें पता करो। और आज कितना अच्छा ना उसके फादर ने बोल दिया कि अब मैं नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी, है ना, कि आई थी और है ना इसको भेजा था ये बार, और मैंने तो घर में भी नहीं घुसने दिया। बहुत अच्छा किया अंकल जी आपने, बहुत अच्छा किया, है ना, कि आपने इस औरत को घर में भी नहीं घुसा। ये इसी लायक है, इसको तो बल्कि और भगाना चाहिए जूते दे दे के, इतनी गंदी औरत है ये। खैर आई अप्रिशिएट यू सपना, आज बहुत दिल को सुकून मिला। वो वीडियो देख के मुझे इतना सुकून मिला है, एकदम ठंडक मिल गई कलेजे को, सही बता रही हो। मुझे इतना मतलब देख के, और जब बच्चियों से तुम बोल रही थी ना बेटा कि आज तुम्हारे पापा होते तो शायद ये सब इतना लोग मुंह खोल रहे हैं, तब मुझे बहुत दुख लगा यार कसम से, कि कैसे लोग हैं यार दुनिया में। ऐसे ये मोमेंट देख के तुम लोग की आंखों में आंसू नहीं आते, तुम्हें तरस नहीं आता? है कितने गंदे लोग हो यार, सच में यार। औरत थी मतलब, एक औरत के नाम पे कलंक हो, औरत के दिल में ममता होती है यार, है
ना, एक दूसरे के दुख दर्द को वो समझती है। तुम औरत हो के औरत की दुश्मन बन रही हो, या कोई आदमी भी होता ना तो शायद मैं कुछ समझती कि यार आदमी जात है, लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो आदमियों को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं होता है। ये औरतें ही होती हैं जो भौं 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 करती रहती हैं बैठ के, और कुछ नहीं आता है इनको करने के लिए। तो गुड डिसीजन, बहुत आई अप्रिशिएट यू। आज ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं लंबा वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत काम है दोस्तों, क्योंकि इसके जैसे फालतू लेडीज तो नहीं है कि बैठ के घंटों का लाइव चल रहा है, घंटों का। मैं तो डेली ना लाइव भी नहीं आ पाती, इतना टाइम भी नहीं होता है दोस्तों की। सच बताऊँ कितना काम होता है, अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, सबका इतना काम करके देना होता है, इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों। तो फिर से सैल्यूट सपना, सपना के फादर को, सपना की फैमिली को, और हम सब आपके साथ हैं सपना। ये ध्यान रखिए, आप अकेली नहीं हो, आपकी बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली है जो आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है ना। कभी मेरी भी जरूरत लगे ना इसके खिलाफ कुछ बोलने के लिए, तो बेझिझक मुझे याद करना, मैं इसके लिए तो हमेशा खड़ी हूँ, सच बता रही हूँ। इसके लिए तो मैं इसके खिलाफ, क्योंकि इसने मेरा जीना हराम कर दिया था। वो 4 से 5 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था जब इसने ये सारे कांड मेरे साथ करे थे, और ये हर औरत के साथ ऐसे ही करती है। बस आके उसका तमाशा बनाना, बकबक करना, क्या पता इसके घर वाले कैसे इसको सहन करते, मुझे तो ये चीज ही आज तक समझ में नहीं आई। इसका हस्बैंड, इसके सब लोग इसको कैसे सहन करके बैठे हैं, जो देखो जो मतलब तमाशा बनाना सबकी लाइफ का। खुद की लाइफ बताओ ना, हाँ खुद की लाइफ सोशल मीडिया पे लाओ ना, दूसरों की लाइफ तो बहुत लाती हो तुम सोशल मीडिया पे, खुद की लाइफ बताओ, तुम खुद क्या करके बैठी हो, है ना? खुद कैसे दूसरों की जिंदगी में घुसी हो, दूसरों के हक पर घुसी हो तुम, है ना? ये बताओ ना, हम तो अच्छे हैं, हम अपने आप में अच्छे हैं, कम से कम किसी का हक तो नहीं खाया हम लोगों ने, है ना? किसी के हक पे नहीं बैठे हैं। यदि भगवान ने हमारे साथ जो कर दिया ना, तो उसको मंजूर करके बैठे हैं कि हमारे साथ तो चलो किया भगवान ने, हमें एक्सेप्ट है वो चीज। तुम क्या करके बैठी हो, तुम तो दूसरों के हक पर बैठी हो, और तो भी चैन से नहीं बैठी हो, ना खुद चैन से बैठी हो ना दूसरों को बैठने दे रही हो, ये करती हो तुम तो।